जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। लंबे तनाव के बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। अब तक यूक्रेन के 9 नागरिक मारे जा चुके हैं। वहीं यूक्रेन ने रूस के 50 सैनिकों और 6 फाइटर जेट को तबाह करने का दावा किया है। रूस अब 3 तरफ से यूक्रेन पर हमला कर रहा है। उसकी थल सेना यूक्रेन में घुस चुकी है। इधर नई दिल्ली में यूक्रेन के एम्बेसडर मीडिया के सामने आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन भी सैन्य और आर्थिक हमले की तैयारी में जुट गए हैं। यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट ने कहा कि रूस की इकोनॉमी को तबाह कर दिया जाएगा। इससे पहले रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन नेशनल टेलीविजन पर हमले का ऐलान किया। धमकाने वाले अंदाज में बोले कि रूस और यूक्रेन के बीच किसी भी देश ने दखल दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उनका इशारा अमेरिका और नाटो फोर्सेस की तरफ था। इस बयान के 5 मिनट के भीतर ही यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई प्रांतों में 12 धमाके हुए। राजधानी कीव पर मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक हुआ। इस कदम के चलते यूक्रेन में फंसे भारतीयों को रेस्क्यू का मिशन भी रोकना पड़ा। यूक्रेन गई एयर इंडिया की फ्लाइट डेंजर जोन अलर्ट के चलते रास्ते से ही वापस लौट आई। यूक्रेन ने कहा, हम पर 3 तरफ से रूस, बेलारूस और क्रीमिया बॉर्डर की ओर से हमला हुआ है। साथ ही रूस ने कहा, हमने यूक्रेन के एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। ईस्टर्न यूक्रेन के 2 गांवों पर कब्जा भी कर लिया है। वहीं यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू हो गया है, यानी कि वहां की कानून व्यवस्था अब सेना ने अपने हाथ में ले ली है। पुतिन के ऐलान के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस कदम की निंदा की। बाइडेन बोले, पुतिन के फैसले का बहुत बुरा नतीजा निकलेगा। मानवता इस फैसले का अंजाम भुगतेगी। लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।